हाँ बच्चों, आज हम चैप्टर दो के बचे हुए दो जो एग्जाम्पल हैं उनको डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 8 देखें, उदाहरण 8। उदाहरण 8 क्या है? हल करना है वो, हल कीजिए, हल कीजिए। क्या है क्वेश्चन? टेन इनवर्स 1 अपॉन a-1 इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन x प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन a² - x + 1। या इसको यदि हम देखें तो इसका सॉल्यूशन या हल देखें, तो पहले हम क्या करें, देखो ये वाले पद में a और x हैं और इसमें a है, इसमें x है, तो इन दोनों पदों को साथ साथ ले लें। तो हमने क्या किया, टेन इनवर्स 1 अपॉन a-1 माइनस टेन इनवर्स 1 अपॉन x = टेन इनवर्स 1 अपॉन a² - x + 1। हमने ये कर दिया। हमने जो ये दोनों पद जो अलग अलग थे, ये उस साइड में था, सीधी साइड में, उसको उल्टी साइड में लाए हैं। वो क्यों लाए हैं? उसका कारण ये है कि इसमें ए और एक्स है, इसमें केवल ए, इसमें एक्स है, तो दोनों को साथ साथ लाएंगे तो फॉर्मूला बनने से इसमें ए और एक्स दोनों हो जाएंगे। तो अब इसमें टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई लगा दें। चूंकि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + x y, ये होता है। तो इस साइड फॉर्मूला लगाएं तो टेन इनवर्स एक्स की जगह 1 अपॉन a-1 माइनस वाई की जगह 1 अपॉन x अपॉन 1 + 1 अपॉन x a-1 इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन a² - x + 1। ये आ गया। तो अब इसको हल करेंगे, तो इसको एलसीएम लेके हल करें तो टेन इनवर्स क्या आएगा, ये यहां आ जाएगा x - a + 1 अपॉन आएगा x a-1। फिर नीचे वाला यदि देखें तो x a-1 + 1 अपॉन x a-1 इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन a² - x + 1। ये कट जाएगा तो क्या बचा, तो बचा टेन इनवर्स x - a + 1 अपॉन ax - x + 1 इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन a² - x + 1। ये आ गया। अब दोनों तरफ यदि टेन ले लें, दोनों तरफ लेंगे टेन, तो दोनों ओर टेन लेने पर, दोनों ओर टेन लेने पर तो क्या आ जाएगा, यहां टेन टेन इनवर्स x - a + 1 अपॉन ax - x + 1 इक्वल टू टेन
टेन इनवर्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। हमें पता है टेन टेन इनवर्स एक्स एक्स होता है, क्योंकि टेन टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ, एक्स माइनस ए प्लस वन अपॉन ए एक्स माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर, केवल ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स। पहले तो ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, फिर अब माइनस एक्स का किया, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स हो गया, ये माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस ए प्लस वन इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स प्लस वन। देखें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस एक्स कैंसिल, ए एक्स कैंसिल, अब वन कैंसिल, इतने सारे टर्म कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए बराबर जीरो, ये आ गया। तो अब देखें जरा, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, क्या बचा, एक्स माइनस ए। इसमें भी यदि बात करें तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए बराबर जीरो, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए माइनस ये एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए बराबर जीरो, तो पूरे के पूरे में क्या कॉमन आ गया, एक्स माइनस ए कॉमन आ गया, फिर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये आ गया। तो इसको यदि हल किया जाए, इसको हल किया जाए तो एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, अर्थात एक्स बराबर ए आ गया एक को। अब एक जरा इसको हल करें, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, ये आ गया। एक्स के इस तरीके से दो मान आ गए, एक तो ये वैल्यू आ गई ये वाली, और एक ये वैल्यू आई। इस प्रकार से ये उदाहरण हल हो गया है। अगर अगला उदाहरण देखें, उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 देखें, उदाहरण नंबर 9 जो कि इंपॉर्टेंट है, उसमें भी x का मान ही निकालना है, यानी समीकरण को हल करना है, समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण क्या है, साइन में है, तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाई 3। देखिए इस क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों साइन में हैं, तो साइन का जो हम फॉर्मूला जानते हैं, देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है,
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होता है साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो मान लीजिए आपने इसको साइन में रखा, हम इसको साइन में क्यों नहीं रखेंगे उसका कारण बता रहे हैं। तो यदि इसको साइन में रखा तो साइन में रखने के बाद यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाने के बाद साइन को इधर भेज दोगे तो जो बचेगा उसमें रूट होंगे। अब दो दो रूट होंगे तो उनको कैसे हटाओगे, क्योंकि एक बार वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो फिर दोबारा से रूट आ जाएगा और फिर वर्ग करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम इसको पहले कॉस में बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस का जो फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें एक ही रूट में है तो वर्ग करने से क्या है ये खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको पहले कॉस में बदलेंगे। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है। तो साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में बदलना हो तो यहां से यदि हम देखें तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आएगी पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यहां रख दीजिए तो ये आ गया पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरीके से इसको देखिए पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स टू एक्स बराबर पाई बाई थ्री, ये आया। तो अब इन दोनों को एक तरफ ले जाएं तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स टू एक्स इक्वल टू, इन दोनों को इधर ले गए तो ये दोनों जोड़ के हो गए पाई माइनस पाई बाई थ्री। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स टू एक्स इक्वल टू ये बच गया टू पाई बाई थ्री। अब फॉर्मूला लगा दें कॉस वाला, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो कॉस इनवर्स एक्स और वाई पहले दोनों का गुणा करें तो टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। अब इसको इधर भेज दो तो टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस टू पाई बाई थ्री, ये आ गया। तो अब जरा आगे देखें तो 2x स्क्वायर माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस टू पाई बाई थ्री होता है माइनस हाफ। इसको इधर ले आए रूट वाला जो टर्म है उसको अकेला छोड़ दें तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग कर दें, वर्ग करें, वर्ग करने पर क्या आएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई फोर प्लस सॉरी फोर एक्स फोर फोर एक्स फोर प्लस वन अपॉन फोर प्लस टू ए बी मतलब टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वन का पहले मल्टीप्लाई कर दिया माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स फोर, ये आ गया मल्टीप्लाई हो गया। तो यदि हम देखें यहां पर तो कुछ कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आया टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई फोर इक्वल टू वन माइनस फाइव एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले लीजिए तो क्या आ गया सेवन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस वन बाई फोर मतलब थ्री बाई फोर, ये आ गया।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया 3/4 × 7, तो एक्स क्या आएगा +-1/2 √3/7, ये वैल्यू आई। लेकिन इसमें एक्स का धनात्मक मान ही इसको संतुष्ट करेगा, ऋणात्मक मान संतुष्ट नहीं करेगा। तो एक्स बराबर -1/2 √3/7 समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, अतः एक्स बराबर 1/2 √3/7 ही इसका आंसर होगा। ठीक है,